इस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नौकछिया में छात्रा ने पौधा लगाकर जन्मदिन को बनाया यादगार। नौकछिया में बोले राजद प्रदेश प्रवक्ता, नीतीश के 15 साल के शासनकाल में नौकछिया 25 साल पीछे चला गया। रंगरा प्रखंड के विद्यालयों के नाम से हटेंगे हरिजन शब्द। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिक की शहादत पर कैंडल मार्च के साथ चीनी राष्ट्रपति का किया गया पुतला दहन। शमीम अख्तर के परिजनों से मिलकर दी संतावना। ट्रक ओनर एसोसिएशन ने नॉर्थ बिहार के ट्रक मालिकों के साथ की बैठक। जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने महादलितों की सुनी फरियाद। पीएससी गोपालपुर से एक कोरोना मरीज को भेजा गया मायागंज अस्पताल। विस्थापित बाबू टोला कमलाकुंड में मुख्य सड़क पर दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। नौगछिया में अपराधियों ने पूर्व प्रधानाध्यापक के घर की चार दीवारी को जेसीबी से तोड़ा, पति को मारी गोली। खरी खैरपुर के मुखिया पति कुख्यात अजय यादव गिरफ्तार, हत्या रंगदारी आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन मामले में था वांछित। अब खबर विस्तार से। नवगछिया में छात्रा ने पौधा लगाकर जन्मदिन को बनाया यादगार। बाबा गणिनाथ सेवा समिति नवगछिया के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती की पुत्री मुस्कान भारती ने अपने जन्मदिन पर शमशानी उग्रकालिका सिद्ध शक्ति पीठ नगर नवगछिया में अपने स्वपरिवार व इष्ट मित्रों के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर परिसर में फलदार वृक्ष एवं फूलों के पौधे को लगाया एवं बच्चों के बीच मिठाई का वितरण किया। वहीं मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भगत, संपूर्ण वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह, धर्मेंद्र शाह, गायक मिथुन महुआ मधेसिया, पप्पू सिंह, प्रिंस भारती सहित कई अन्य ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नवगछिया में बोले अरुण यादव, नीतीश के 15 साल के शासनकाल में नवगछिया 25 साल पीछे चला गया। युवा राजद द्वारा बुधवार को जिला राजद कार्यालय नौगछिया में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुकेश यादव और संचालन विभूति भूषण ने किया। युवा संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव थे। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान जन परिस्थिति भयावह है, समाज को इस घनघोर संकट से निकालने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। नीतीश कुमार के 15 वर्षों के शासनकाल में नौगछिया 25 साल पीछे चला गया है। एक ही पार्टी का विधायक, सांसद और बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए की सरकार है, फिर भी क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। नवगछिया विद्यालयों के नाम से हटेंगे हरिजन शब्द। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के निर्देश के आलोक में प्रखंड अंतर्गत वैसे प्रारंभिक विद्यालय जिनके नाम में हरिजन शब्द का प्रयोग हो रहा है उसमें अनुसूचित जाति से परिवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में रंगरा प्रखंड के वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने बताया कि प्रखंड रंगरा चौक अंतर्गत 3 ऐसे प्रारंभिक विद्यालय हैं जिनके नाम से हरिजन शब्द का उपयोग हो रहा है। इन सभी विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को सूचित करते हुए हरिजन शब्द के बदले अनुसूचित जाति शब्द का उपयोग करने हेतु सूचित किया गया है। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिक के शहादत पर कैंडल मार्च के साथ चीनी राष्ट्रपति का फूंका गया पुतला। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिक के शहादत पर कैंडल मार्च के साथ चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नौगछिया के तिथि दुर्गा स्थान के प्रांगण में भाजपा मंडल अध्यक्ष नौगछिया संजीव कुमार उर्फ झाबो के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर कैंडल मार्च निकाला गया, तदुपरांत चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। मौके पर नौगछिया मंडल महामंत्री धीरज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष गौरव चौधरी, जिला मंत्री संजीत कुमार, आईटी सेल के संयोजक रवि पोदार, पकड़ा शक्ति केंद्र प्रमुख पंकज कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। समीम अख्तर के परिजनों से मिलकर दी संतावना। अपराधियों की गोली के शिकार हुए नौगछिया के उजानी गांव निवासी कोढ़ा कटिहार पीएससी के लैब टेक्नीशियन समीम अख्तर के परिजनों से रंगरा के प्रखंड प्रमुख राजद के युवा नेता संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव ने मुलाकात किया। उन्होंने विपत्ति की घड़ी में परिजनों को धैर्य से काम लेने की सलाह दी और ढाढ़स भी बढ़ाया।
ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने नॉर्थ बिहार के ट्रक मालिकों के साथ की बैठक। NH-80 हो अतिक्रमण मुक्त, सड़क पर रंगदारी से मिले मुक्ति। भागलपुर नौगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक बुधवार को संघ के जिलाध्यक्ष DN सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खगड़िया, पूर्णिया, बेगूसराय जिले के एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं ट्रक मालिक शामिल हुए। बैठक में ट्रक मालिकों की परेशानी की समीक्षा की गई एवं कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं बैठक में पूर्णिया जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार बुला सिंह, खगड़िया जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज यादव, कहलगांव राम आशीष सिंह, महासचिव श्वेत कमल, प्रवक्ता बबलू मंडल, सचिव सह प्रदेश उपाध्यक्ष बबलू सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने महादलितों की सुनी फरियाद। खरीक प्रखंड के खरीक बाजार पंचायत में राजद के पूर्व सांसद शैलेश कुमार बुलो मंडल द्वारा बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम में खरीक बाजार पंचायत के महादलित परिवार के लोगों की फरियाद को सुना। मौके पर महादलित टोले के लोगों ने पूर्व सांसद को बताया कि उनके मोहल्ले के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। PSC गोपालपुर से एक कोरोना मरीज को भेजा गया मायागंज अस्पताल। बुधवार को सैदपुर पंचायत के वीर नगर से एक कोरोना मरीज को इलाज हेतु PSC गोपालपुर से इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भेजा गया। साथ ही 30 लोगों का सैंपल जांच हेतु लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार PSC गोपालपुर में कार्यरत एक ANM की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से PSC के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि ANM के पॉजिटिव होने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विस्थापित बाबू टोला कमलाकुंड में मुख्य सड़क पर दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। गंगा नदी के कटाव से विस्थापित बाबू टोला कमलाकुंड जो नौगछिया तिनटेंगा करारी PWD सड़क पर पीर दरगाह के निकट अवस्थित है में बुधवार की सुबह 8 बजे लगभग आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर फायरिंग होने से लोगों में दहशत फैल गया। दहशत के कारण कुछ देर के लिए ऑटो का परिचालन भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। वहीं एक को मौके से हिरासत में ले लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही बबलू यादव व रिंकू यादव के बीच आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है। पूछे जाने पर नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद भारती ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, तत्काल पूरे मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। नौगछिया में अपराधियों ने पूर्व प्रधानाध्यापक के घर की चार दीवारी को JCB से तोड़ा, पति को मारी गोली। नौगछिया थाना क्षेत्र के नौगछिया नगर पंचायत वार्ड 17 में नौगछिया थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य रेखा सिन्हा के घर पर मंगलवार की मध्यरात्रि को 6 की संख्या में JCB लेकर आए हथियारबंद अपराधियों ने उनके घर की चार दीवारी को तोड़ दिया। इस दौरान जब रेखा सिन्हा और उनके पति इंद्रमोहन सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया तो अपराधियों ने गोली चला दी। अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई गोली इंद्रमोहन सिंह के दाहिने हाथ में आकर लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा घटनास्थल पर पहुंचे जहां पुलिस के आगमन के दौरान सभी अपराधी JCB लेकर भागने लगा। पुलिस ने मौके से JCB लेकर भाग रहे JCB चालक को पकड़ लिया है जबकि अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने घायल इंद्रमोहन सिंह को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा जहां उनका इलाज किया गया। घटना के संदर्भ में इंद्रमोहन सिंह ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा निवासी विभूति यादव सहित चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कराई है। वहीं नौगछिया SDPO प्रविंद्र कुमार भारती ने बताया कि मामला दर्ज कराया गया है। सेवानिवृत्त शिक्षिका को पूरी सुरक्षा दिया जाएगा। विभूति यादव का किसी भी तरह की जमीनी संबंधी विवाद था, वह नियम से आता तो पुलिस उसे पूरी मदद करता लेकिन जिस तरह से उसने अपराध का घटना अंजाम दिया है इसको लेकर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, SCBSE अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है
दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177, 9934855177। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध। नौगछिया अनुमंडल तथा भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल।